अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज शराइ तक काफ़ी पहला डे है, 21 रमजान मुबारक है। असा जामिया मस्जिद च तकरीबन 7-8 बंदे बैठे हैं तकाफ के, और अज शराइ तक काफ़ी जरा पहला दर्स सीखने की कोशिश की है, और तुसा दोस्तों ही वादा किया कि तुम तक ही इंशाल्लाह इन्फॉर्मेशन या अच्छी गल पहुँचाने की कोशिश करे सूँ। वो है मोमिन की सिफात और अलामात, जिन आके करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान इंसान के नाल दर्स मुहब्बत दर्श दी ने, और किस तरीके मुवद्दत दर्श दी ने, और किस तरीके एक इंसान दूसरे इंसान का ख्याल रखने के इंसान को तरगीब दी दे कि मोमिन कोई उस वक्त तक हो नहीं सकता जे तक दूजे बंदे उसके हाथ और उसकी जबान को महफूज रखे। आके करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई बंदा उस वक्त तक कामिल ईमान वाला नहीं थी सकता जिंदा दिल दुरुस्त ना हो, और कई शख्स का दिल उस वक्त तक दुरुस्त नहीं थी सकता जे तक उसकी जुबान दुरुस्त ना हो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई शख्स उस वक्त तक जन्नत ही दाखिल थी नहीं सकता जे तक उसके पड़ोसी उसकी अजियत को महफूज ना हो। तो एक बहुत बड़ी हदीस मुबारक है जिद तरगीब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुसलमान को दूजे मुसलमानों का ख्याल रखने वास्ते कि अगर जन्नत ही दाखिल होना चाहते हुए, अगर तुम मोमिन बनना चाहते हुए, और अगर अपने आप को मुसलमान जनावना चाहते हुए, तो थोड़े हाथ को दूजे मुसलमान महफूज होवे तद ही तुम मोमिन बन सकते हो। वगरना नमाज रोजे हज ज़कात भावें जिस हद तक भी होवे, अगर थोड़े हाथ को दूजा मुसलमान महफूज नहीं तो वक्त यकीन जानो कि तुम सिर्फ मुसलमानियत की हद दाखिल हो लेकिन मोमिन नहीं बन सकते। आके करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और मकाम देते इरशाद फरमाया कि अगर तुम अल्लाह और क़यामत दे ते यकीन रखते हुए तो वह तुम अपने हमसायन कदा भी ना सताओ, अगर तुम अल्लाह और यौम आखरत उत्ते यकीन रखते हुए तो वह तुम अपने मेहमान की इज्जत करो, अगर तुम अल्लाह और आखरत उत्ते यकीन रखते हुए या तो अच्छी गल करो, अगर अच्छी गल नहीं कर सकते तो हमेशा अपनी जुबान को खामोश रखो। तो यह भी त्रेही चीज़ा जीडिया मोमे दी अलामात, यह भी इंसान इंसान के मुहब्बत दर्श दी। मिलते हैं कल की वीडियो, वाले।